नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी गेस्ट है मिस योग्या सिंह खिची, द मोस्ट लवली गर्ल। शी इज जस्ट 14 एंड शी इज अ स्विमर। सिंस चाइल्डहुड योग्या सिंह यूज टू गो टू स्विमिंग पूल विद हर फादर। स्विमिंग बिकेम लाइक अ डेली रूटीन टू हर। हर फादर इज आल्सो अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। एट द एज ऑफ 5 she learned to swim from her father. At the age of 11, she participated in the district level competitions and secured 2 silver medals. Her father realized her passion for swimming, and that's how her journey began. Yogya too decided to continue this remarkable journey. Her trainer Sandeep Singh helped her get proper training for swimming, and she started practicing 2-3 hours every morning and evening. She also joined gym and arranged a dietitian to get proper diet. In 2019, she participated in state level swimming competitions and secured 7 medals, 1 gold and 3 silver, 3 bronze. Then she participated in senior level swimming competition held at state level again, secured 2 bronze and 1 silver. Yogya was trained from well-known face Mr. Jay Rajan at the BSRC swimming pool in Bengaluru, secured approximately 14 medals at the age of 14, including 5 gold medals in various competitions. Yogya Singh was felicitated by Sports Minister Ashok Chandna, Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, and Padma Shri Shri Rajyavardhan Singh. So let's welcome Yogya. Yogya, namaste, kaise hai aap? Hi, namaste, kaise hai? अच्छी हूँ मैं भी। मेरा नाम योग्या सिंह है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ और मैं 14 इयर्स की हूँ। मैं राजस्थान की अंडर 14 एज कैटेगरी में बेस्ट स्विमर हूँ और मैं एक नेशनल लेवल की स्विमर हूँ। क्या मीनिंग है योग्या का? योग्या का अर्थ है कि जो इंसान कोई भी चीज के एवज होता है, कोई भी चीज उसके लिए मतलब ज्यादा हार्ड नहीं होती है। क्योंकि पहली बार आप पानी में किस एज में गई? मैं छोटी थी जब से पापा के साथ स्विमिंग पूल पे जाती थी, और मेरे को ये लालच था कि मुझे पानी में मस्ती करनी है। कभी भी ऐसे नहीं जाती थी कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। मैं जाती थी पानी में, बहुत मस्ती करती थी, बिल्कुल और पानी से बिल्कुल ही नहीं डरती थी उस टाइम से। फिर मैं मस्ती करते करते धीरे प्रैक्टिस करने लग गई, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल स्विमर बनी, स्टेट लेवल स्विमर बनी, नेशनल लेवल स्विमर बनी। यूँ धीरे धीरे करके मैं स्विमिंग में और अच्छी होती गई। आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल माइकल फिलिप्स है, जो कि एक अमेरिकन ओलंपिक चैंपियन स्विमर है। वो मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मतलब रिटायर लेने के बाद भी प्रैक्टिस करके कम बैक किया। उन्होंने कम बैक इसीलिए किया क्योंकि वो डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने स्विमिंग छोड़ दी तो वो डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने वापस कम बैक किया और उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी उम्र का कुछ फ़ायदा नहीं पड़ता है। उनकी उम्र है फिर भी वो अच्छे स्विमर है। वो ओलंपिक में उनके पास जितने मेडल या आज तक दुनिया में उतने किसी ने भी नहीं जीते हैं, तो मुझे उनकी ये बात अच्छी। जब पहली बार आप कंपटीशन में गई थी और सफलता आपको नहीं मिली, तो हार नहीं मानी आपने? आपको नहीं लगा कि आप स्विमिंग छोड़ देते हैं? मैं बहुत छोटी थी जब जिस पूल पे मैं जाती थी वहाँ पे कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुए थे, तो मैं गई थी। मेरे को पता चला था, मैं वहाँ गई, मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे भी पार्ट लेना। तो पापा ने मुझे समझाया कि नहीं अभी तुम बहुत छोटी हो, लेकिन फिर भी मैंने जिद की, तो फिर मैंने पार्ट लिया। मैंने पार्ट लिया लेकिन फिर क्या हुआ, मैं हार गई, क्योंकि हारना मेरा तय था। मैं प्रैक्टिस भी कोई नहीं करती थी, पानी में मस्ती करती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हाँ अब मैं प्रैक्टिस करूँगी। फिर मैंने प्रैक्टिस की धीरे धीरे, थोड़ी प्रैक्टिस करती थी, ज़्यादा खेलती थी, प्रैक्टिस करती रही करती रही। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल स्विमर बनी, नेशनल लेवल स्विमर बनी। पहला अवार्ड कब मिला आपको? कैसा लगा जब पहली बार आपको सफलता मिली? मैं 12 साल की थी जब मैंने पहली बार, मेरे को अवार्ड मिला था। मेरे को 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल मिले थे। मुझे 800 मीटर्स फ्री स्टाइल में मैंने पार्ट किया था, जो कि मेरे लिए उस टाइम बहुत हार्ड था 800 मीटर्स, क्योंकि वो होता हार्ड है। फिर मैंने उसमें मेरे को 1 गोल्ड मेडल मिला था। मैंने खुद से बड़ी एज कैटेगरी की लड़कियों को हरा के गोल्ड मेडल जीता था। फिर मैं नेक्स्ट ईयर में मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते और मैं बेस्ट स्विमर बनी। फिर मैं
स्टेज में गई तो मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं था इतना मेरा। नेक्स्ट ईयर जब मैं ओपन्स में गई मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रखी थी, मैंने 7 इवेंट्स में पार्ट लिया था और 7 में मेरे मेडल ही लगे थे, मेरे 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल लगे थे। तो सब सोचने लग गए कि ये लड़की कहाँ से आ गई, अच्छा आते ही इतने मेडल जीत लिए। तो उसके बाद मैं सीनियर्स के लिए कोटा में गई थी, वहां पे मेरे 3 मेडल लगे थे, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज। वो मेरा सेकेंड सीनियर था और मेरा मतलब मैं खुद की परफॉर्मेंस से खुश थी, ज़्यादा खुश नहीं, खुश थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगली बार मेरे को सीनियर्स में और अच्छा करके गोल्ड मेडल जीतनी है। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अंडर 14 एज कैटेगरी में पार्ट लिया और मैं 3 गोल्ड मेडल जीती और जोधपुर की बेस्ट स्विमर बनी। फिर मैंने स्टेट में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उसमें भी मैं 4 गोल्ड मेडल जीती थी, 3 इंडिविजुअल इवेंट्स और 1 रिले। उस टाइम मैं जोधपुर राजस्थान की बेस्ट स्विमर थी और मैं जोधपुर की पहली ऐसी लड़की थी जो आज तक बेस्ट स्विमर बनी है राजस्थान की। फिर मैं नेशनल्स में गई और नेशनल्स में मैं टॉप 12 में आई थी। मैं खुश थी, संतुष्ट थी खुद से, लेकिन मुझे था कि अगली बार मुझे और मेहनत करके मेडल जीतना ही है नेशनल्स में। एक्चुअली मुझे जानना था कि स्विमिंग की बेस्ट टेक्निक्स क्या है कि आप अच्छे स्विमर बन सकते हैं। स्विमिंग में हाथों का और पैरों का काम होता है। हाथ हमको आगे जाने में मदद करते हैं, पुल करते हैं, उससे हम आगे बढ़ते हैं। और किक्स हमको, अगर हमारी किक स्ट्रांग होती है तो वो भी हमको आगे बढ़ाती है और हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखती है। हमारी स्विमिंग में हमारा बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए, ज़्यादा मूव नहीं करनी चाहिए। हमारा बॉडी रोटेशन, हेड रोटेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्विमिंग में। फ्लेक्सिबिलिटी भी, ये सब चीज़ें अच्छी हों तो आपको स्विमिंग सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अपने देश के बेस्ट स्विमर कौन है? इंडिया के बेस्ट मेल स्विमर वीर धवई खाड़े हैं, जो कि इंडिया के लिए ओनली वही एक मेल स्विमर है जिन्होंने इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एशियन गेम्स में मेडल जीता है। उन्होंने 50 मीटर बटरफ्लाई कैटेगरी में 1 ब्रोंज मेडल जीता था 2010 गोंगजू एशियन गेम्स में, जो कि 24 ईयर्स में पहली बार, 24 ईयर्स के बाद किसी ने स्विमिंग में मेडल लेके आए थे इंडिया के लिए। और बेस्ट फीमेल स्विमर है शिवानी कटारिया, जो कि 200 मीटर फ्री स्टाइल में कम्पीट करती है। वो 2016 की ओनली स्विमर थी जो सेलेक्ट हुई थी इंडिया के लिए ओलंपिक्स में, सो शी इज़ द बेस्ट फीमेल स्विमर ऑफ इंडिया। कौन कौन सी स्टाइल होती है स्विमिंग कंपटीशन में, क्योंकि मुझे दो ही पता है, फ्री स्टाइल एंड बटरफ्लाई। स्विमिंग के 4 मेन स्ट्रोक होते हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक एंड फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल होती है 50, 100, 200, 400, 800 एंड 1500 मीटर्स फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल की ये सब कॉम्पिटिशन्स में होते हैं। बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक होते हैं 50 मीटर्स 100 मीटर्स एंड 200 मीटर्स। मेडले रिले भी होती है, इंडिविजुअल मेडले रिले और आई एम भी होती है। आईएम में होते हैं 100 मीटर्स 200 मीटर्स एंड 400 मीटर्स, जिसमें हमको 4 स्ट्रोक स्विमिंग करना पड़ता है। फिर होता है रिलेस, जिसमें 4 जने एक ही टीम के स्विम करते हैं 1 बाय 1, वो एक ग्रुप रिले मतलब होता है। और उसमें होता है 4 इंटू 100, 4 इंटू 50, 4 इंटू 50 फ्री स्टाइल, 4 इंटू 50 मेडले, 4 इंटू 200 मेडले, 4 इंटू 200 फ्री स्टाइल। क्योंकि आपकी इस जर्नी में आपको किसी ने सपोर्ट किया? मैं स्विमिंग करती हूँ उसमें मेरा मम्मी पापा का बहुत साथ है, मेरी फैमिली का साथ है, स्कूल का साथ है। मेरे चाचा जो कि मेरे जिम के ओनर हैं, वो भी मेरे को पर्सनली ट्रेनिंग देते हैं स्विमिंग में। तो मुझे इससे बहुत सपोर्ट मिलता है। और बैंगलोर भी गई थी मैं BSRC, वहाँ पे मुझे जयराज सर, जगन सर, विनीत सर, ये मेरे को ट्रेनिंग देते थे, तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है स्विमिंग में। आपका सपना क्या है, कहाँ तक आप जाना चाहते हो? सबसे पहले मेरा टारगेट है कि मैं राजस्थान में सीनियर्स में चैम्पियन बनूँ, उसके बाद मैं इंडिया में चैम्पियन बनूँ, फिर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में, और उसमें मेडल जीतूँ, जो कि आज तक कोई ओलंपिक्स में कोई स्विमर नहीं जीत पाया है। अच्छा लास्ट, कितने फ्रेंड्स है पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी।
मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, अब सभी दोस्तों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? कि आपको अपना सपना पूरा करना चाहिए या सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए? मैं अपने सभी दोस्तों को यह मैसेज देना चाहूंगी कि पढ़ाई जरूरी होती है, पढ़ाई अपनी जगह बहुत जरूरी होती है, और पढ़ाई के बाद आप अपना सपना पूरा करें, क्योंकि हमको हमारा सपना हमेशा पूरा करना चाहिए, चाहे वो स्विमिंग हो, कोई स्पोर्ट्स हो, डांस हो, म्यूजिक हो, लेकिन उसके साथ में पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। मेरे को भी करनी पड़ती है पढ़ाई, सबको करनी पड़ती है। दुनिया में कोई भी अचीवमेंट पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होता है। थैंक यू योग्या, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अपनी स्विमिंग रूटीन में से टाइम निकाल के मुझे टाइम दिया है, एंड आपके सारे सपने जल्दी पूरे हो जाए। आई विश टू सी यू एज द वर्ल्ड्स बेस्ट स्विमर विशेष। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।